फाइंडिंग द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ये हमारा तीसरा मेथड है। तो आगे के जो दो मेथड है इससे भी और कन्वीनियंट और इजी वे है स्टेप डेविएशन। अब स्टेप डेविएशन आपको कब यूज करना है कि जो क्लास लेंथ है, क्लास साइज h सब में अगर इक्वल रहेगा तब हमें ये यूज करना है। ऑल द क्लास हाइट रिमेन सेम देन इट इज इजी टू यूज द स्टेप डेविएशन मेथड। पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला तो हमें लिख लिया ना। अब क्या करना है हमें, ये वर्ड्स तो हमें ढूंढना है। चलो a क्या है, a हमारा है एज्यूमिंग, a है एज्यूमिंग, जो हमने मीन हमने जो माइंड में रखा किसी भी लिए वो हमारा एज्यूमिंग है। और एक नया है लेटर ये यू आई। यू आई क्या है? यू आई मीन्स एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये यू आई का मतलब है कि यू आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे एक्स आई माइनस ए डिवाइड एच। एच क्या है? एच यानी कि क्लास साइज, और आप ये भी लिख सकते हो क्लास लेंथ। तो वो कैसे ढूंढना है अभी मैं आपको बताता हूं। यानी कि एज यानी कि क्लास साइज है, और सिग्मा एफ आई तो हम जानते हैं इट इज अ कम्युलेटिव टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो बहुत ही इजी है स्टेप डेविएशन मेथड, और बहुत ही आप इजीली इसको आप सम कर सकोगे। और हम देखते हैं कि क्या करना है, ए एच क्या है, क्लास साइज क्या है। तो आप लोग ये फर्क जान लो। अगर मेरे पास ये क्लास है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, तो ये सब जो क्लास है उसको हम ये जो लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू है उसको बोलेंगे लोअर बाउंड्री। इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर बाउंड्री। और जो राइट साइड वाला जो वैल्यू है क्लास का उसको बोलेंगे हम अपर बाउंड्री। ये अपर बाउंड्री है। तो अगर ये लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री है तो यहाँ जो क्लास है वो यहाँ से एक इंक्रीज हो रहा है, एक काउंटिंग में एक यहाँ गैप हो रहा है। तो वो निकालने के लिए मुझे लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट मुझे ढूंढना है। तो लोअर क्लास लिमिट कैसे ढूंढेंगे? इसमें से 0.5 माइनस करके और राइट साइड में 0.5 ऐड करना है। क्या समझे आप? लेफ्ट साइड में 0.5 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, राइट साइड में 0.5 ऐड करना है। यानी कि ये मुझे मिल जाएगा इधर, अगर मैं 0.5 इसमें से माइनस करूं तो 9.5, और इधर मुझे मिल जाएगा 19.5। 0.5 ऐड करना है, 0.5 सबट्रैक्ट करना है, लोअर में से सबट्रैक्ट अपर में से ऐड। तो यहाँ आएगा 19.5, ये हो गया 29.5। उसी तरह ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 39.5। तो अब आप देखोगे क्लास जो है वो रेगुलर इंटरवल वाला हो गया है। एग्जैक्टली यहाँ खत्म हो, यहाँ से स्टार्ट। ये होता है हमारा क्लास साइज। तो ये साइज कितना है? अगर मुझे क्लास साइज h फाइंड करना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट मुझे माइनस करना है। यानी कि अगर ये अगर ये सेकंड वाला मुझे फाइंड करना है तो क्या है, अपर लिमिट 19.5 और 9.5, यानी कि सब्ट्रैक्शन मिला के मुझे एच कितना मिला, 10। यानी कि ये जो क्लास साइज है हाइट वो कितना मिला मुझे, 10। उसी तरह अगर सबका आप चेक करोगे तो सेम ही आएगा। तो
क्योंकि मैंने पूरा जो बाउंड्री और वो बाउंड्री वैसे ही रखा कि पूरा क्लास का साइज 10 ही है। अब इसका सब्ट्रैक्शन कीजिए, इसमें से ये माइनस 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो ऐसे हम ढूंढ सकते हैं एच कैसे ढूंढना है, कोई भी सम हो। अब देख लो, अगर यहाँ कोई गैप होगा तो आपको लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके बुक में मेजोरिटी सम गिवन इन दिस लिमिट फॉर्म, सभी जो आपके सम है वो यही फॉर्म में गिवन है। तो हम एक सम करते हैं स्टेप डेरिवेशन के मेथड से, देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंडिंग द मीन, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.1। माइंड वेल, ये मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। उसका फॉर्मूला क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये फॉर्मूला में हमें आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना है, पहले तो आप देख लो कि ये लिमिट है या बाउंड्री है। पहले ही बोला था मैंने, बहुत कम सम है जो बाउंड्री वाला इन्होंने गिवन है। तो ये बाउंड्री है, देखो यहाँ एक 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 गैप हो रहा है। तो अगर मुझे ये एच फाइंड करना है तो मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट करके नहीं ला सकता कि 52 माइनस 50 तो 2 ही आएगा। तो मुझे अगर एच फाइंड करना है, एच एच यानी कि क्लास साइज, तो इसका लिमिट कितना है? 52.5। ध्यान से सुनिए, इसका लिमिट है 52.5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, इसमें से 0.5 माइनस करो तो 49.5। अब आप खुद ही सब्ट्रैक्ट कीजिए कि ये क्या होगा, h इज इक्वल टू 3। और इजी वे क्या करना है कि ये देखो गैप कितना है 3, ये जो बाउंड्री है उसका गैप देखो कितना है 3, कितना है 3, कितना है 3, यानी कि h इज इक्वल टू 3। इजी वे, अगर ये सब में नहीं पढ़ना है तो h सीधा नीचे चले जाए तो आपको हाइट है वो प्लस साइज आपको मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट के लिए 52 प्लस 50, मिड पॉइंट के लिए 50 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2। और वैसे भी आप सोचो कि ये दोनों का एवरेज है, एवरेज बीच में क्या आएगा 51, यानी कि मुझे ये मिड पॉइंट मिला 51। यहाँ का मिड पॉइंट, हाँ, तो मुझे इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या होगा, इसके मिडल टर्म कौन सा रहेगा, बोलो बोलो बोलो, मिडल टर्म कौन सा रहेगा, 54, यानी कि इसमें 3 ऐड किया तो कितना मिलेगा मुझे, 54, ऐड 3 आल्सो मोर देन 57, ऐड 3 60, ऐड 3 63, क्यों 3 ऐड किया, सबका क्लास साइज सेम है। अब मुझे क्या करना है, एज्यूम मीन लेना है। एज्यूम मीन मेरे लिए, एज्यूम मीन में कौन सा ले सकता हूँ तो मुझे इजी पड़े, इसलिए ये जो इसमें जो मिडल है वो एज्यूम मीन में ले लेता हूँ। 57 इज माई एज्यूम मीन। और अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ xi उसी जगह पे, ये है हमारा फॉर्मूला xi माइनस a अपॉन h। तो अगर मुझे यहाँ देखना है तो xi कितना है, ये xi कितना है 57 माइनस a, a भी कितना है 57, h कितना हमने ढूंढा है यहाँ पे 3। तो क्या होगा आंसर, 0/3 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, सही है। तो फिर अब xi मेरा चेंज होगा, यहाँ कितना होगा ये 54 होगा, तो 54 माइनस 53 यानी कि माइनस 3/3 यानी कि -1, ये मुझे मिल गया -1। तो अब यहाँ मैं चेंज करता हूँ, 51 माइनस 57 इज इक्वल टू -6/3, आंसर इज -2। तो नीचे क्या आएगा, उसी तरह पे 1 और ये 2। तो
अगर क्लास साइज सेम है तो ये आपका 1 2 3 1 2 3 जैसा ही आएगा। तो यहाँ पे आप गाना भी गा सकते हो 1 2 3 1 2 3 ऊपर माइनस नीचे प्लस 1 2 3। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला में देखो एफ आई इंटू यू आई करना है, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई इंटू यू आई हम करते हैं 15 2 -30, 110 1 -110, 0 × 135 = 0, 115 1 + 115, एंड 50 25 2 50। तो मुझे ये जो माइनस वाले हैं वो ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा 0 3 + 1 4, सो -140। ये प्लस वाले में ऐड कर रहा हूँ क्या मिलेगा मुझे 5 + 0 5 5 + 1 6 165। नाउ वी हैव टू टोटल, टोटल मीन सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। सो 165 - 140 आंसर क्या आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा मुझे +25। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई यू आई, ये हो गया हमारा एच, हमारे एज्यूमिंग है ए, सिग्मा एफ आई नंबर्स ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी वो कितना होगा देख लेते हैं। 1 2 3 4 20, 2 इज अ कैरी फॉरवर्ड, 2 + 1 3 4 7 8 +2 10, 1 2 3 and 4 इज अ 400, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 400। तो मेरे पास h इज इक्वल टू 3 है, a इज इक्वल टू 57 है, फिर सिग्मा एफ आई 400 है, सिग्मा एफ आई वाई 25 है। सबको मैं इस फॉर्मूला में अगर मैं डाल दूं तो ए का वैल्यू कितना है 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 25 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इज 400 एंड एच क्लास साइज इज 3। नाउ 57 ये मल्टीप्लाई करेगी कितना मिलेगा मुझे, अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 5 × 5 × 3 इज 100/4, ऐसा भी आप लिख सकते हो। चलो तो फिर 57 ये पूरा मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 75/100 × 4। अब मुझे क्या करना है 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, वैसे तो ये कट होता है इधर से 25 × 4 = 25 × 3, तो 57 + 3/16 यानी कि 16 से मुझे डिवाइड करना है। चलो तो पहला क्या होगा 0 आएगा, पॉइंट आ गया यहाँ पे 30, 16 × 32 16 × 16 कितना बचेगा 14, नाउ 16 × 8 = 128, कितना आएगा 2 और 12, तो आगे अगर जाना है तो 120। तो फिर अब कितना मिलेगा मुझे 16 × 8 तो नहीं चलेगा 16 × 7 = 112, 80, 16 × 5 =, तो फाइनली आई गॉट द आंसर 57 प्लस कितना मिला 0.1875 स्टेप डेविएशन मेथड से और एक सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 14.1 फाइंड द मीन ऑफ द कंसंट्रेटेड एसओटी इन द एयर। स्टेप डेविएशन मेथड याद कर लो, फार्मूला क्या है x बार इज इक्वल टू a + σ f / u / σ f / h,
एच यानी कि क्लास साइज हाइट कितनी है, क्लास साइज, क्लास साइज चेक करो ये क्या है, ये सेम है यानी कि लिमिट्स ऑलरेडी गिवन, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, सो वी सबट्रैक्ट टू फाइंड द एच फ्रॉम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो एच इज क्लियर 0.04 माइनस 0.0 इज इक्वल टू 0.04, ये तो क्लियर है। फ्रीक्वेंसी एफ आई ये टोटल मैं करूंगा तो क्या होगा, 9 टू 18 प्लस टू 20, 20 प्लस 6 26 एंड 26 प्लस 4 30, राइट। और अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो मिड पॉइंट सबका लिखने की जरूरत नहीं है, जहां आपने एज्यूम मीन लेना है, जहां पे आपको एज्यूम मीन लेना है, सपोज मुझे यहाँ पे एज्यूम मीन लेना है तो ये मिड पॉइंट में लिख लेता हूं, तो 0.08 प्लस 0.08 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.20 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 0.10 इज माय एज्यूम मीन। ऐसे ढूंढना है प्लस करके डिवाइड बाय 2 यानी कि एवरेज फाइंड करना है, वो हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। चलो तो अब क्या करना है, ये अगर क्लास साइज सबका सेम है, क्लास साइज अगर सबका सेम है चेक कर लो 0.04 0.04 0.04 0.04 सब में इक्वल है तो मैं यहाँ आसानी से आंखें बंद करके भी लिख सकता हूँ 0, उसके बाद गाना गाना है 1 2 3 1 2 3 ऊपर माइनस नीचे प्लस 1 2 3 1 2 3 ये हो गया हमारा यू आई। अब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, माइनस 8 9 वन जा माइनस 9 ये हो गया 0, 2 वन जा 2, 4 टू जा 8, 2 थ्री जा 6। तो ये अगर इसे कट हो गया 8 8, अब 8 माइनस 9 यानी कि माइनस 1 इज माई सिग्मा एफ आई यू आई। आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई माइनस 17 हो गया, ये कितना है 10 और 16 हो गया 17 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 1। तो वी हैव ऑल थिंग इज क्लियर रिगार्डिंग अवर फॉर्मूला सिग्मा एफ आई यू आई इज गिवन, वी फाइंड इट सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 30, ए इज इक्वल टू एज्यूम 0.10 एंड एच इज इक्वल टू 0.04। नाउ पुट ऑल वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, so a is equal to 0.10 sigma fi ui is equal to minus 1 divided by sigma fi means 30 and class size is 0.0। so अब क्या करेंगे हम, तो 0.10 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 0.04 बाय 30। यहां से गड़बड़ स्टार्ट की, इसका डिवीजन कैसे करेंगे, मेजोरिटी स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम रहता है कि कैसे डिवाइड करे, क्या करे क्या ना करे। तो पहले इसका और एक फॉर्म हम चेंज करते हैं, तो अगर मैं 4 लिखूं तो डेसिमल कितना नीचे आएगा 2 यानी कि 100 इंटू 30। अब क्या करना है, मैं इसको काट सकता हूं लेकिन याद रखना है मुझे डेसिमल में ही आंसर है, तो मैं इसको काटूंगा तो फिर मेरा डिवीजन वापस आ जाएगा, तो इसको रखेंगे वैसे ही, सिर्फ 3 से डिवाइड करेंगे, ओनली डिवाइड बाय 3, मैं क्या बोल रहा हूं इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो 0.10 4 बाय 3 और ये हो गया मल्टीप्लाई में 1000 नीचे, मैं उसको 3 से ओनली डिवाइड करूंगा, ये मुझे इजी होगा। अब अगर काट लोगे तो क्या होगा, अगर आप काट लोगे तो ये 25 हो जाएगा यानी कि 1/750 ये आप नहीं ला सकोगे, वो डिफिकल्ट है लेकिन ये इजी रहेगा क्योंकि मुझे 3 से डिवाइड करना, वो तो मुझे आता है 3 1 3 1 हो गया पॉइंट, 3 3 9 1 ये तो चलता ही रहेगा। तो अब मैं यहां क्या लिख सकता हूं,
देखिए तो 0.10 माइनस 1.333 और एक 3 जोड़ देते हैं तो नीचे कितना हो गया अब 1000। अब इसका डेसिमल कट करते हैं 0.10 माइनस ये 3 पॉइंट आगे आएगा यानी कि 0.00013333 ऐसा हो जाएगा। अब इसका पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर, अब ये सब्ट्रैक्शन कितना होगा, आंसर आएगा 0.09, ये हो गया 9, ये हो गया 9, उसके बाद आएगा 9 माइनस 1 8 6 6 और 7 ये आंसर आएगा। हमें यहाँ तक ही लिखना है तो क्या होगा 0.099 ये हो गया हमारा x बार। समझ आया आपको? अब आंसर लिख लो, आंसर क्या आएगा, आंसर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इज अबाउट 0.099 ppm। ये हमारा आंसर राइट।